हाल में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक न्यू पेंडेमिक डिजीज एक्स के अगेंस्ट ग्लोबली प्रिपेयर होने की ज़रूरत पर जोर दिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डिजीज एक्स के बारे में और डिजीज ट्रांसमिशन में बैट्स के क्या रोल है इसके बारे में। डिजीज एक्स एक अननोन पैथोजन का नाम है जो फ्यूचर में एक सीरियस इंटरनेशनल एपिडेमिक या फिर पेंडेमिक हो सकता है। फरवरी 2018 में डिजीज एक्स को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अपडेटेड डिजीज का जो ब्लूप्रिंट लिस्ट है उसमें इंक्लूड किया गया था। यह एक बिना कोई नोन ट्रीटमेंट वाला वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरियम भी हो सकता है और फंगस भी हो सकता है। वायरस का जो 25 फैमिलीज है उसमें से कोई भी हो सकता है जिसमें लोगों को बीमार करने की कैपेबिलिटी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डिजीज एक्स सार्स कोविड वायरस के कंपैरिजन में 20 टाइम्स ज़्यादा डेडली हो सकता है। हालांकि डिजीज एक्स अभी कोई रियल थ्रेट नहीं है, लेकिन फ्यूचर में यह हो सकता है और इसे होने वाली डेथ और डिवेस्टेशन को मिनिमाइज करने के लिए स्टेप लेने की ज़रूरत है। डिजीज ट्रांसमिशन में बैट्स के क्या रोल है उसके बारे में जानते हैं। पैंडेमिक के अगेंस्ट फाइट करने में बैट्स कोई एनिमी नहीं है, इनफैक्ट ये इकोसिस्टम बैलेंस करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि बैट के हैबिटेट्स में डिस्टरबेंस के कारण और कुछ एक्टिविटी जैसे हंटिंग, कंजम्पशन, इसके कारण जूनोटिक डिजीज फैलने का खतरा बढ़ जाता है जहाँ पैथोजेंस एनिमल से ह्यूमन में प्रवेश करते हैं। बैट्स को बहुत सारे वायरस जो कि डिजीज एक्स के क्लोजली रिलेटेड है, इनके रिजर्वायर के रूप में जाना जाता है। इसलिए बैट्स के हैबिटेट्स को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है ताकि ह्यूमन और बैट के बीच में कम से कम इंट्रैक्शन हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।